नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 7वां ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक के तीसरे दिन के आखिरी सत्र का दीप प्रज्वलन से शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI, नीतू चंद्रा, प्रिया विज, भरत, आकांक्षा बंसल, गुनीत कालरा, पूनम हर्ष ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। डायरेक्टर प्रोफेसर रितु लाल ने सभी अतिथिगण को फेस्टिवल बैच देकर सम्मानित किया। सभी अतिथिगण को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में फिल्म निर्माता नीतू चंद्रा की मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट का ट्रेलर भी दिखाया गया। स्टूडेंट ने भारत की खूबसूरती को नृत्य के माध्यम से दर्शाया। भारतीय फैशन परिदृश्य अपनी संस्कृति, विरासत, ललितता और रंगीनता के लिए जाना जाता है। यह सूक्ष्मता और सुंदरता को सामने लाता है जो असंख्य दर्शकों से कायम है। भारत में फैशन उद्योग गतिशील परंपराओं का एक सम्मेलन है। भारत की प्राचीन संस्कृति से प्रभावित परिधानों को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर, फ्यूशन तिरंगे, ख्वाब, पेशेबाज, मेदांतपुर फोर्ट, भगवान श्री राम और माता सीता आदि से प्रेरणा लेकर फैशन शो दिखाया गया। बता दें कि मॉडल्स ने रैंप पर अपनी खूबसूरती से 4 चांद लगा दिया, जिसमें यह समा और ज़्यादा खूबसूरत हो गया, जिससे सभी गेस्ट और स्टूडेंट बहुत प्रभावित हुए और गेस्ट ने स्टूडेंट के कामों को खूब सराहा। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, भारत समृद्ध संस्कृति और परंपरा का देश है। जिस प्रकार से स्टूडेंट ने फैशन शो में भारत की खूबसूरती को दिखाया है, इनकी क्रिएटिविटी और कठिन मेहनत को देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने ऐसा फैशन शो कभी नहीं देखा। स्टूडेंट ने फैशन वीक के लिए काफ़ी मेहनत की है, आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहे। वहाँ मौजूद अतिथिगण ने भी स्टूडेंट और डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अवार्ड सेरेमनी में वेस्ट कॉन्सेप्ट कलेक्शन, वेस्ट क्रिएटिव डिजाइनर, वेस्ट डिजाइन कलेक्शन, मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट आदि अवार्ड देकर स्टूडेंट और डिजाइनर्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन की डायरेक्टर प्रोफेसर रितु लाल ने सभी अतिथिगण और स्टूडेंट का धन्यवाद ज्ञापन किया। तीसरे दिन का 9वां शो और मैं कैसा समझता हूँ कि हम लोगों ने बिल्कुल फतेह पा ली है। अब ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग वाकई हिमालय की चोटी पर पहुँच चुके हैं। जो जोश, जो लगन, जो उम्मीद थी वो सामने खिल के आई है। मंच से एक एक ड्रेस जो है वो मुंह बोल रही थी और एक एक ड्रेस के ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे तबीयत से दिलो जान लगाकर ड्रेसेस जो हैं वो तैयार की गई हैं। उसी तरीके से फर्नीचर का एक एक पीस इतना खूबसूरत तैयार होकर पड़ा है। सामने नज़र आता था कि बच्चों ने जो है उसमें अपने पूरे प्राण जो हैं वो भूखे हुए हैं। इतना खूबसूरत तरीके से एक एक चीज़ बनी है। आखिरी शो था और ये जो 9वां शो था ये डेडिकेट था अपने देश को, भारत को, और शायद यही वजह थी कि हम लोगों ने उसमें कोशिश की कि हम देश के प्रति जो अपनी श्रद्धा है उसे प्रदर्शित करें। और राम सीता से लेकर और ऐतिहासिक किलों और महलों को इंस्पिरेशन लेते हुए ये सारा शो तैयार किया गया था। एक एक स्टूडेंट ने बेहतरीन काम किया है। आज 7वां ग्लोबल फैशन वीक, फैशन एंड डिज़ाइन वीक जो है वो अपने आप में एक सफल हुआ है। और जितना मेरा ज्ञान है और जितना मैं घुमा हूँ देश भर और दुनिया भर में, मुझे लगता है कि मैंने खुद अब तक इतना बड़ा शो नहीं देखा है जहाँ पर 550 ड्रेसेस, 80 फर्नीचर, 175 डिज़ाइनर, जहाँ 62 कंट्री, 28 एम्बेसडर और 5000 से भी ज़्यादा की ऑडियंस एक साथ यहाँ पर मौजूद रही। मारवा स्टूडियो ने आज फिर से एक बार आर्ट और कल्चर में एक नया झंडा गाड़ दिया। सर, हॉलीवुड एक्टर्स भी आज यहाँ पे आई, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बॉलीवुड की भी भागीदारी है? हमने नीतू चंद्रा को यहाँ बुलाया था। नीतू चंद्रा ने एक बड़ी अच्छी इनिंग हिंदुस्तानी बॉलीवुड फिल्मों में की है। फैशन शो आप लोगों का मैं ख्याल से वर्ल्ड बेस्ट है और उसका कारण है क्योंकि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया इतने ग्लोबल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। आज आपके फैशन शो में आई हैव सीन
the culture which you are bringing, ancient culture which you are bringing back to the stage, back to your country, but back to the globe. So wonderful. Congratulations to all of you. Hello everyone. आज संदीप मारवा स्टूडियो में मैं हूँ, नोएडा में, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल टू बी हियर, क्योंकि मैंने 9-10 डिज़ाइनर्स को, उनके कलेक्शंस को वॉक करते देखा है, एंड दीज पीपल आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, द वे दे आर द फ्यूचर, यू नो, जिस तरह से वो इंस्पायर्ड थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट द बेस्ट थिंग इज़ कि वो इतनी यूनिक थी सारी चीज़ें, कि इट फेल्ट सो नाइस, कितनी चीज़ें हैं सीखने के लिए, एंड फ्रॉम दीज young designers who've just come today, I am, hats off to them, good luck with the whole thing. Meri Hollywood film already released ho chuki hai, uska naam hai Never Back Down Revolt, it's on Amazon Prime. I play one of the main leads among two girls. Maine apna action khud kiya hai film mein, we shot in London. Jaiye dekhiye, you will be very proud of the fact that I pulled it off and did my own action. I know Sandeep Marwa ji for more than 10 years, and the one man army he is, the energy, the pride, the hard work he has done to build this up, 5 branches, 7,000 students, itna aasan kaam nahi hota hai, but I have seen him 24/7 working, and it's congratulations sir, and you are an inspiration to all of us. This was such a marvelous show. I haven't witnessed such a show in my life. I would say mitti jo hoti hai उसको जब तक घड़ा ना जाए तो उससे कुछ अच्छा आर्टिकल नहीं बनता, और संदीप मारवा से बेटर कोई क्यूरेटर है नहीं. कमाल का शो, फ्लॉलेस, बिल्कुल फ्लॉलेस. इतनी मेहनत आप लोगों ने की है, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस, अगले साल इससे भी बढ़िया करना. 3 दिन का इवेंट अब समाप्त हो गया, कैसा रहा रिस्पॉन्स, क्या कहना चाहेंगे पूरे इवेंट के बारे में? रिस्पॉन्स तो इतना ज़्यादा था कि हाथ कम पड़ गए, उंगलियाँ कम पड़ गई, नंबर कम पड़ गए. So it has gone fabulous. We have covered about 68 countries. There were about 500 plus garments, 85 plus pieces of furniture, 36 pieces of jewelry, and 3 books of coffee table. मैम देखा कि कई गेस्ट आए, कई सेलिब्रिटी आए, कई कंट्री के ड्रेसेस प्रेजेंट हुए, कई एग्जीबिशन हमें देखने को मिले जी. आपके हिसाब से ऐसा क्या यूनिक था जो और कहीं नहीं देखने को मिलता, जो आज मारवा स्टूडियो में से 3 दिनों में देखने को मिला? सी, ये ऐसा सवाल है कि आप पूछ रहे हैं कि कौन सा बच्चा, आप एक माँ से, कि कौन सा बच्चा अच्छा है. सारे ही कलेक्शन बहुत अच्छे थे, बच्चों ने बहुत मेहनत की. आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2 साल मास्टर्स के, 3 साल BSc के, और 1 साल डिप्लोमा वाले बच्चों का भी कलेक्शन थे, और सब एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे थे. और पहली बार है कि हमने 56 अवार्ड्स दिए हैं, नहीं तो हम हमेशा 20-30 ही अवार्ड्स देते थे, लेकिन इस बार 56 है. कंपटीशन बहुत टफ था, जूरी जो इंडस्ट्री से आई थी उनके लिए भी बहुत मुश्किल था डिसाइड करना कि किसको अवार्ड दें और किसको नहीं. लास्ट एक मैसेज क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने आप पे विश्वास करें, अपनी टीचर्स पे विश्वास करें, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं. आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स ने वही किया, एंड द इवेंट वॉज अ सक्सेस. थैंक यू.